हाय वीवर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पुरानी दिल्ली के फेमस कुरेसी कबाब बनाने की रेसिपी। इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, स्मोकी और लजीज बनते हैं और इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं कुरेसी कबाब बनाना। कुरेसी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम रूखा कीमा, हमने मटन मिंस का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम चर्बी और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की कद्दूकस की हुई प्याज, जिसके पानी को हमने निकाल लिया है। एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक नींबू का रस, पांच छोटी हरी मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून अदरक का पेस्ट और 4 टेबलस्पून हमने यहाँ पर रोस्ट किया हुआ बेसन लिया है। आप यहाँ पर बेसन की जगह भुने हुए चने भी ले सकते हैं। दो टेबलस्पून तेल और थोड़ा सा हरा धनिया, हमें इन सब को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, हमने कीमे का फाइन पेस्ट बना लिया है। इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसके सेंटर में हमने रखा है गरम कोयला और इस पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल और इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो चुकी है और इसमें बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर भी आ गया है। अब हम इसके सेंटर में से कोयला निकाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे कबाब का शेप देने के लिए एक पोर्शन लेकर पहले उसे ओवल शेप देंगे। और इसके सेंटर में इस तरह का एक रोड इंसर्ट करेंगे और इसे शेप देंगे। अगर आपके पास सीक हो तो आप सीक का इस्तेमाल करें। अब इसे केयरफुली रोड में से निकाल लेंगे और बाकी के सारे कबाब को भी हमें इसी तरह बनाना है। इस तरह से हमने कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए हमने पैन में 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें आहिस्ता से हमारे बनाए हुए कबाब ऐड करेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें कबाब को इस तरह से पलट पलट कर 8 से 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल कर बाकी के कबाब को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। कबाब के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम इसे सर्व करेंगे ग्रीन चटनी, प्याज और नींबू के साथ और इसमें ऐड करेंगे मेल्ट किया हुआ बटर। हमने यहाँ पर 500 ग्राम कीमे में से 10 कबाब बनाए हैं। तो लीजिए, खाने के लिए तैयार है पुरानी दिल्ली के फेमस कुरेसी कबाब। ईद आने वाली है, आप इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।